हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एफ़ए का जो लेसन नंबर 371 है और टॉपिक का नाम है ग्रुप डिस्कशन। कुछ स्पेशल लेसन जो बचे हुए हैं 22 लेसन में जो आपका लास्ट समय चल रहा है, या आपको आपका मतलब कुछ लेसन ऐसे लेसन हैं जो आपके पर्सनल लाइफ में बहुत डेवलपमेंट करने वाले, इस लेसन को आपको पढ़ना जरूरी है। तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे सर इसका लेसन का मतलब कि आप वीडियो बना दीजिए, तो इसी वजह से इस टॉपिक का वीडियो आ रहा है। तो देखिए आपका मतलब कि आज जो टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन है, मतलब कि आज की क्लास में आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं इफेक्टिवली, पूरा बताऊंगा एक एक तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो ये आपको पहले क्या करना है, रीडिंग पैसेज मतलब कि जो पैसेज को रीड करना है, सभी बच्चों को पैसेज को रीड करना है, तो आपको भी वहाँ पर रीड करना रहेगा, ठीक है। आप पैसेज को रीड कर लेंगे तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डिस्कशन करना रहेगा, मतलब कि सभी बच्चों से मतलब मिला के स्टॉक आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको क्या ग्रुप डिस्कशन का क्या डूज है, क्या डॉन्ट्स है, आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये पैसेज आप पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखेंगे दोस्तों, जो पैसेज है, पैसेज इज ऑल अबाउट मतलब कि जो हमारे 16 जो है ईयर्स, वो मतलब कि हायर सिटीजनशिप है, सिटीजन हैं वो, उनके लिए है। मतलब क्या उनको हम हायर कर सकते हैं, हायर करने का मतलब कि जो है मतलब वो फिजिकली फिट रहते हैं और वो है, मतलब कि जॉब करने के लिए वो मदद रहेंगे, उसके उनके पास एक्सपीरियंस रहता है, तो क्या हायर कर सकते हैं। ये तो यही मतलब पूरे पैसेज यही है, तो फिर भी मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ देखिए पढ़ने का। ट्रूबेल, ट्रूबेल एक जो है कंपनी है, एन आउटलाइन मार्क एंड एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर ओल्ड कार्स, ठीक है। तो जो कंपनी है ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर ओल्ड कार्स के लिए है। इज लुकिंग फॉर हायर 8 इंटर्न्स हु आर ओवर 16 ईयर्स एज, मतलब कि जो 16 ईयर्स की मतलब एबव हैं, उनको भी एक्सपीरियंस मतलब उनके पास एक्सपीरियंस है, सीनियर मैनेजमेंट लेवल उनके पास है, उनको हायर करना चाहते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडेड सिग्नेट इनिंग्स रिटायर्ड सिटीजन हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन मेंटोर 200 ओल्ड यंग एम्प्लॉयज एट ए ट्रूबेल वेयर द एडवांटेज एज इज ए अराउंड 20 ईयर्स, मतलब कि कुछ जो है यहाँ पर मतलब कि ट्रूबेल कंपनी में जो काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं मतलब कि कुछ 200 यंग एम्प्लॉयज हैं जिनको मतलब कि कभी कभी मेंटोर की ज़रूरत होती है और मतलब कि एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत होती है। तो क्या हम मतलब कि जो सीनियर्स हैं, जो मतलब कि 16+ हैं, जो फिजिकली फिट है, क्या उनको हायर कर सकते हैं, ये चीज़ें इसमें बताया गया है। तो वी हैव ऑलरेडी अराउंड द 20 एप्लीकेशन, मैंने ऑलरेडी मतलब कि हम लोग ने 20 एप्लीकेशन ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है इंटर्नशिप फ्रॉम द सीनियर सिटीजन का हम लोग पहले ही एप्लीकेशन प्राप्त कर चुका हूँ। सो इंटर्नशिप विल बी हायर 3 मंथ्स स्पेंड द मतलब कि जो है हायर किया 3 मंथ्स के 15,000+ लंच, मतलब कि टोटली कास्ट है, तो ट्रेवल ट्रेवल कास्ट, एंड दे विल बी फ्लेक्सिबिलिटी कमिंग आइदर एवरी डे मिनिमम थ्राइस ए वीक विल बी एक्सपीरियंस बोथ इंटर्नशिप एंड पीपल वर्किंग एट ट्रूबेल। सीनियर फाउंडर सीनियर सेट द फाउंडर अप ट्रूबेल, मतलब कि जो ट्रूबेल का जो फाउंडर है उन्होंने कहा है कि मतलब कि हमने कुछ एप्लीकेशन पहले ही प्राप्त कर चुका हूँ, और जो मतलब कि क्या मतलब कि उन लोगों को हायर कर सकते हैं, ये चीज़ें इसमें है पूरा, मतलब कि हायर करने के हैं जो 16+ ओल्ड हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो देखिए एडवांटेज ऑफ मेडिकल साइंस हैज इंश्योर्ड द पीपल आर फिजिकली फिट इवन आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब कि जो मेडिकल साइंस से मतलब कि इंश्योर किया है कि जो मतलब कि फिजिकली फिट होते हैं, मतलब आफ्टर रिटायर के आफ्टर मतलब कि आफ्टर रिटायर कुछ लोग जो होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट के बाद फिजिकली फिट होते हैं। तो डाटा गेदर जॉब्स साइट इंडीड, मतलब कि जो मतलब इंडीड एक साइट है, वहाँ पर मतलब कि उनके अनुसार 8 पोजीशन जॉब सीखे, मतलब कि जो है मतलब जॉब करने वाले 60% आर 60 आर इंटरेस्टेड इन इट, दिस इंक्लूड डाटा इंट्री क्लर्क, कंप्यूटर एंड ऑपरेटर, फ्रीलांस राइटर, फैकल्टी टीचर, ट्रेनर एंड ट्यूटर,
कंटेंट राइटर, ठीक है। तो इतने लोग इन्होंने इनमें इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, आप रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। तो ये पूरा मतलब कि ये जो पैसेज है मतलब कि ओल्ड 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 मैन के ऊपर, क्या उनको हम हायर कर सकते हैं, ये पूरा मतलब यही है, इसका पूरा पैसेज का मतलब यही वो है। तो आपके मतलब 3 क्वेश्चन है वहाँ पर, आपको डिस्कस करना रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो 3 क्वेश्चन आपको वहाँ पर डिस्कस करना रहेगा, आपको ग्रुप डिस्कशन करना रहेगा। ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपका मतलब कि जब भी आप ग्रुप डिस्कशन करिए, अपने थॉट्स को रखिए, और मतलब कि एक आपका मतलब कि रेज हैंड आप कर सकते हैं, वाइल स्पीकिंग, मतलब कि हर चीज़ आपका रहना चाहिए, आपका थॉट्स क्लियर रहना चाहिए, आपका हैंड जेस्चर रहना चाहिए, आप ऑडिबल रहना चाहिए, आपका जो है क्लियर रहना चाहिए, आप दूसरे को भी थॉट्स को सुने, बिकम लिसनर बनना पड़ेगा। तो ये आपको ग्रुप डिस्कशन के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको फॉलो करना है आपको। तो ये क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट शुड बी ए सुटेबल टाइटल फॉर दिस आर्टिकल? तो आप मतलब कि इस आर्टिकल के लिए आप क्या सुटेबल टाइटल देना चाहेंगे, मतलब कि कोई सुटेबल टाइटल, मतलब कि जैसे कि हम कोई लेसन का नाम देते हैं ना, तो ऐसे इस लेसन का क्या आप नाम देना चाहेंगे, तो ये आपके ऊपर है। कोई भी कुछ भी रख सकते हैं आप, लिख सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट ओल्ड पर्सन, फिट पर ओल्ड ओल्ड फिट पर्सन, मतलब कुछ भी आपका जो है मतलब कि सुटेबल टाइटल। अपने आप अनुसार हर एक इंसान का अलग टाइटल दे सकता है, वो अपने अनुसार सबकी अलग सोच होता है, कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। या पहले क्वेश्चन का आंसर यही है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स हैं चैलेंजेस हैविंग यंगस्टर, मतलब कि जो मतलब कि यंगस्टर्स होते हैं वो मतलब किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं वर्क अलॉन्ग साइड रिटायर्ड पीपल, और मतलब कि जो वर्क है चैलेंजेस हैविंग यंगस्टर वर्क अलॉन्ग साइड रिटायर्ड पीपल, मतलब कि जो अरे जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो व्हाट चैलेंजेस हैविंग यंगस्टर, चैलेंजेस ऑफ हैविंग यंगस्टर वर्क अलॉन्ग साइड रिटायर्ड पीपल, ठीक है। मतलब कि जो है जो मतलब कि यंगस्टर होते हैं और जो रिटायर्ड पीपल होते हैं, उनके साथ मतलब कि क्या मतलब कि चैलेंजेस फेस करना पड़ता है उनके साथ काम करने में, ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब ये है। तो बेनिफिट्स यही रहता है कि इफ़ दे आर हायर फॉर 16 प्लस ओल्ड पर्सन, देन दे कैन यू नो डू मीन्स मतलब कि दे कैन हैव एक्सपीरियंस एंड दे कैन गाइड यू, दे कैन योर मेंटोर, सो दे मतलब कि उनके हायर करने का बहुत मतलब बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर अपने हिसाब बता सकते हैं और अपने अनुसार अपने वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको ही करना है, आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है। इज इट फेयर टू एम्प्लॉय रिटायर्ड पीपल व्हेन मेनी पीपल क्वालिफाइड एज यंगस्टर आर अनएम्प्लॉयड, मतलब कि आपको यहाँ पर मतलब कि इस आर्टिकल में बोलना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोलना है, क्या मतलब कि फेयर है कि रिटायर्ड पीपल को हम हायर करें या जो हमारे क्वालिफाइड यंगस्टर और जो अनएम्प्लॉयड उनको हायर करें, ठीक है। तो ये मतलब कि आप फेयर है, आप अपने साथ बता सकते हैं वहाँ पर कि दे आर मतलब टू साइड्स, लाइक इफ आई विल हायर द ओल्ड पर्सन देन दे गिव यू नो दे हैव एक्सपीरियंस देन दे कैन बेटर, एंड इफ दे आर फिट सो वी डेफिनेटली वी कैन हायर बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस दे हैव नॉलेज, दैट्स वाई वी कैन बेटर, वी कैन डू बेटर आवर कंपनी। एंड यंगस्टर जो अनएम्प्लॉयड हैं दे आर ऑल्सो यू नो बिकॉज इनके पास जो है एक नई एनर्जी, एक नई सोच, और इनके पास एक वर्क करने का वो रहता है, मतलब काम करने का क्षमता रहता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं वहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस थे, तो आप वहाँ पर आप समझ लेंगे। तो ये 16 प्लस ओल्ड के ऊपर के हायर करने की बात है, तो वहाँ पर आप आराम से ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट करना है, तो ये सेल्फ असेसमेंट के 3 रूल मतलब कि वो हैं, जैसे कि ए बी, आप कौन से पोजिशन में, आपको अपने ऊपर करना है, ठीक है। फिजिकल, फिजिकल मतलब कि अब यहाँ पर आप बोलेंगे आई एम ऑडिबल एवरीवन इन द ग्रुप, लाइक ऐसे आप चीज़ों को फॉलो करिए, तो अपने ऊपर मतलब कि अपना ही चूज करेंगे, ठीक है। लिंग्विस्टिक, ठीक है, मतलब कि होता है भाषा, मतलब कि नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। ये आपका मतलब का आपको यहाँ पर अपने ही आपको वो करना है, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वहाँ पर कर लेंगे, आप मैम बताएंगे तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक मैं रिज्यूमे पढ़ाऊंगा, तो रिज्यूमे आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ा दूंगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप कुछ भी किसी चीज़ का वीडियो चाहिए, फैसिलिटी या कुछ भी किसी की चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और आप थैंक यू को मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।